दहेज के कारण गई 7 लोगों की जान। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर जो कि राजस्थान से आ रही है। अगर आप भी इस खबर को सुन लेंगे तो आप भी एक बार हिल जाओगे, क्योंकि इस खबर ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है, क्योंकि यह खबर राजस्थान की है। हाँ दोस्तों, इस खबर के अंदर एक कुएं के अंदर दोस्तों 7 जाने चली गईं, और उस कुएं के अंदर 3 महिलाएं और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन उन 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं गर्भवती थी, अर्थात अगर कुल मिलाकर माना जाए तो 7 जाने थी, 3 महिलाएं और उनमें से 2 गर्भवती, तो हुए 5 और उनके 2 बच्चे। हाँ दोस्तों, टोटल 7 लोगों की उस कुएं के अंदर जान चली गई। अब दोस्तों, यह पूरी खबर क्या है और मामला क्या है, यह जानने के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है वह हैरान हो गया है। यह खबर आप भी सुन लेंगे तो आपको भी यह खबर झकझोर के रख देगी। न्यूज को आगे बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो हम आते हैं इस बड़ी खबर पर। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खबर राजस्थान की है, जो कि जयपुर जिले के दूधू जिले के छपिया गांव से है, जहां पर कालू मीणा 25 वर्ष की महिला थी और ममता 23 वर्ष की और कमलेश 20 वर्ष की, और इन तीनों महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। दहेज के कारण ऐसे हालात हो गए कि इन तीनों महिलाओं ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया, और यह दुखद आत्महत्या के मामले ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। खबर के मुताबिक तीनों बहनों की शादी एक ही परिवार में तीनों भाइयों के साथ हुई, और दोस्तों इस आत्महत्या के मामले में उन तीनों महिलाओं के साथ साथ 2 बच्चों के शव और भी मिले हैं उसी कुएं में। आपको बताना चाहता हूँ, एक बच्चे की उम्र मात्र 4 वर्ष है और दूसरे बच्चे की उम्र आप जानकर सच में हैरान हो जाओगे, जो कि मात्र 21 दिन का एक शिशु बच्चा है। कुएं के अंदर 5 शव निकाले गए हैं। सच में यह हैरान कर देने वाली खबर है कि उन तीन महिलाओं में से भी 2 महिलाएं गर्भवती थी 8-9 महीने से। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि उस कुएं के अंदर 7 लोगों की जान चली गई। यह खबर पूरे देश भर में चारों तरफ फैल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खबर ने पूरे देश भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जो कि दहेज को लेकर है। आपको बता दें, लड़की वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है लड़कों वालों पर। उन तीनों बहनों के चचेरे भाई हेमराज मीणा के द्वारा कहा गया है कि ससुराल वाले मेरी तीनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और लगातार उनसे मारपीट भी करते थे, और हमने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी की। खबर के मुताबिक यह भी पता चला है कि महिलाओं ने सुसाइड नोट्स भी नहीं छोड़ा है, लेकिन जो सबसे छोटी बहन थी उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था कि हमें ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं और हम अब आगे नहीं जीना चाहते, अब इस जिंदगी का क्या होगा, और इस तरीके से एक स्टेटस लिखकर डाला है। छोटी बहन ने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह भी लिखा कि अभी हम जा रहे हैं और हमारी मौत का जिम्मेदार ससुराल वाले होंगे, और इस तरीके से छोटी बहन ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखकर एक स्टेटस डाल दिया। छोटी बहन ने यह भी लिखा कि हमारी मौत के जिम्मेदार हमारे माता पिता को ना ठहराया जाए और उन्हें ना परेशान किया जाए, इस तरीके से छोटी बहन ने एक स्टेटस लिखा। आपको यह भी बता दूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच चल रही है, और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय और भी लोग पढ़ेंगे कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी यह पता चल सके कि किस प्रकार से वर्तमान समय में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।